सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से अनश्यूज लाइफ में। और ये आप जो माला देख रहे हैं ये मार्केट से लिया हुआ नहीं है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। और इसको किस तरह बनाना है मैं इसे आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो माला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लकड़ी मखाना लिया हुआ है। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको थोड़े अच्छे से फ्लफ़ी फ्लफ़ी मोटे बड़े मखाने मिलते हैं तो अच्छा है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही लिया है, तो मैं सिर्फ मखाने और ड्राई नारियल का बनाऊंगी माला। इसको बनाने के लिए आपको एक मोटा थ्रेड जो आता है सिलने के लिए, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है, वो लेना है। और ये सुई आती है जो निडल होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको इजी हो इसमें धागा डालने के लिए। तो ये थोड़ी बड़ी सी निडल है फिर, बट इससे भी बड़ी अगर आपको मिलती है तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए, अब इसको मैं क्या करूँगी, ये जो धागे हैं धागे को मैंने, मुझे 4-4 साइड ईच चाहिए होगा थ्रेड गले में लटकाने के लिए, 4 धागे एक साइड 4 धागे एक साइड। तो मैं उसे इस तरह से अपने पैर में फंसा के इसको सेट कर लूँगी ताकि मेरा एक साइड में भी 4 आए, एक साइड में भी 4 मेरे ऐसे थ्रेड आने चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे बना लिया है। ये देखिए, 1, 2, 3 और ये 4, ये एक साइड गले के 4 होगा और एक साइड गले के 4 होगा। इस तरह से कर लिया है मैंने इसे, और नीचे से एक साइड से ऐसे जुड़ा ही हुआ रहेगा। ये देखिए, ये जो साइड जुड़ा है इसमें मैं एक गांठ लगा दूंगी थोड़ी मोटी सी कुछ इस तरीके से। बांध देना है और गांठ थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और इस तरह से ये गले के 2 साइड के हिस्से बन गए जिसमें 4-4 धागे हैं होंगे। और इन 4 में ही, मतलब टोटल 8 जो हैं, इनमें हम अब मखाने को पिरोएंगे। और ये जो गांठ बांधी है, अब इस गांठ के एरिया को हम छेद करेंगे नारियल में और उसमें डाल देंगे। हल्का सा थोड़ा सा छेद किया, बहुत बड़ा नहीं करना है नहीं तो फिर वो उसमें से निकल जाएगा। तो आपको उतना ही करना है जितने में ये आपका जो आपने बांधी है गीठ एक सिरे पे धागों के, वो इसमें जाके अटक जाए। इसको मैं और हल्का सा हाथ से, मैं इसे बहुत हल्के जेंटली प्रेस कर रही हूँ, बहुत हार्शली नहीं करना है नहीं तो इसमें क्रैक भी आ सकता है आपके जो ये ड्राई नारियल है उसमें। और ये देखिए, इसमें हैंग हो गया है, ये इसमें जाके अच्छे से अटक गया है। तो आपको इसी तरह से करना है। ये देखिए, मैं खींच रही हूँ तो भी ये नहीं निकल रहा है क्योंकि ये अच्छे से जाके सेट हो गया है जिस तरह से मुझे चाहिए। तो अब मैंने ये ले लिया है धागे का एक सिरा, मतलब 4 थ्रेड वाला सिरा ले लिया है। ये देखिए, बाकी 4 का अलग है। अब इसको मैं निडल में डाल दूंगी एक सिरे को। और जैसा कि मैंने बोला, निडल अगर आपकी परफेक्ट होगी तो आपका आराम से इसमें थ्रेड चला जाएगा, मतलब इसका जो निडल में पोर्शन होता है जिसमें आप धागा डालते हैं वो थोड़ा मोटा होगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी निडल में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इससे बड़ी निडल मेरे पास नहीं थी। तो इसमें बस हमें थोड़ा सा ही डाल के इसको ऐसे खींच के रखना है बस। और बाकी अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे मखाने पिरो। तो अब हम पहले छोटे साइज़ के जो मखाने हैं उनको पिरो लेंगे। तो हम पहले डालेंगे 4 मखाने छोटे, और जो 5वां मखाना होगा उसे हमें बड़ा डालना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो अभी आप देखिए, पहले मैं छोटे छोटे मखाने इसमें डाल रही हूँ। तीन डाला, इसके बाद मैं चौथा डालूँगी। और अगर आपके पास अच्छे वाले मखाने हैं थोड़े फ्लफी से तो वो बहुत ही अच्छे होंगे, देखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, ये 5वां वाला मखाना है और ये बाकी 4 मखाने से साइज़ में थोड़ा बड़ा है। अब मैं इसको उसमें डाल दूँगी और यही सेम प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। 4 छोटे मखाने, 5वां बड़ा मखाना। ये देखिए, आपको शायद साइज़ सबके सेम लग रहे हो वीडियो में, बट जो 5वां है वो मैंने बाकी 4 से बड़ा डाला हुआ है गाइस। तो अब हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे,
चार छोटे मखाने, तो इस तरह से आपको पूरे धागे में ऊपर तक बनाना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा गांठ बांधने के लिए गले में, क्योंकि उसे पहनना होगा माला की तरह। तो आपको जितना बड़ा माला बनाना है आप उसी तरह से प्रोसेस ये रिपीट करते जाइएगा। चार छोटे मखाने पांचवा बड़ा, चार छोटे पांचवा बड़ा। और वो पांचवा बड़ा क्यों है वो मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको बनाने में। तो ये देखिए, ये मेरा एक थ्रेड जो है एक साइड के थ्रेड में मैंने डाल दिया है। इस थ्रेड में कुछ एक मखाने होते हैं, कुछ सारे तो नहीं, जिनमें उसके शेल तब लगे ही रह जाते हैं, तो उनको पिरोना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो करते समय आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, या फिर आप छांट के लीजिएगा मखाने। और एक साइड देखिए मेरा ये रेडी हो गया है। अब हम दूसरा थ्रेड लेंगे, इसे एक सेम ही साइड का हम दूसरा थ्रेड लेंगे, उसमें निडल डाल के हम अब स्टार्ट करेंगे। बनाने में आपको गाइस बिल्कुल टाइम भी लगेगा। मैंने दो माले बनाए हैं और एक घंटे में ये दोनों माला बनके तैयार हो गई थी। तो अब हम इसमें अगेन ऐसे सुई डालेंगे और प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बट जो हम सेकंड वाले धागे में जो डालना शुरू करेंगे उसमें हम सिर्फ चार ही डालेंगे छोटे, उसमें चार छोटे पाँचवा बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चार छोटे ही डालने हैं सेकेंड वाले थ्रेड में, पाँचवा बड़ा नहीं डालना है। वो क्यों आप आगे देखिए आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसमें ऑलरेडी तीन डाल दिया है और ये अब मैं डाल रही हूँ चौथा। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को। जो पहले धागे में हमने पांचवा वाला बड़ा मखाना डाला था, हम उसमें से इस निडल को डाल के निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस, आप इसमें से डाल के ऐसे निकाल लेंगे। तो ये इसके साथ जुड़ के एक आपको बीच में स्पेस दे देगा हॉलो सा, तो जो कि देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। एक दो तीन चार, ये चार डाले थे मैंने, एक दो तीन चार ये पहले वाले के हैं, और पांचवा जो बड़ा था उसके बीच में से मैंने ये निकाल दिया है। अब हम ये सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें सिर्फ अगेन हम चार डालेंगे और जो पाँचवा हमने पहले वाले थ्रेड में डाला था उसमें से बीच में से निडल निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो अब मैंने इसमें फिर से डाल लिया है चार, और जो पांचवा पहले वाले उसमें है, देखिए आप एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और ये बड़ा वाला है इसके बीच से अगेन मैं निडल डाल के इसे निकाल लूंगी इस तरीके से। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा यही प्रोसेस रहेगा। चार डालेंगे और पहले वाले जो पांचवा बड़ा वाला मखाना है उसमें से ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स या टॉफीज का भी इस तरह से बना सकते हैं गुच्छे में, वो देखने में और लुक अच्छा आएगा। देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हमें चार का इसलिए बनाते हैं लड़ियाँ, ताकि ये जो नारियल होता है ये थोड़ा हैवी होता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें ऊपर भी थोड़ा अच्छा लुक देने वाला और थोड़ा हैवी सपोर्ट करने वाली चीज़ें डालनी है, क्योंकि मखाना बहुत लाइट होता है आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जब ये सारा बन के आएगा तो बहुत ही लुक प्यारा लगेगा। तो अभी मैं आगे का दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो अभी मैं उसी साइड पर हूँ, साइड की बाकी थ्रेड में मैं इसी तरह करूंगी, चार डालूंगी और पांचवे में से निकालूंगी जो पहली लड़ी में मैंने डाला था पांचवा उसमें से। तो मतलब बेसिकली हमें सिर्फ एक लड़ी में पांच डालने हैं, बाकी तीन में चार ही डालना है। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है एक साइड में, और जब दूसरा साइड होगा तो उसमें भी हमारा यही प्रोसेस होगा। जो दूसरा नेक के साइड में चार थ्रेड है उसमें भी हम पहले वाले में डालेंगे चार और पांचवा बड़ा, और बाकी तीन में सब चार पड़ेंगे और पांचवे वाले में से जो पहला थ्रेड है उसमें से निडल निकल के आएगी। ये देखिए चार, और ये पांचवा वाला जो बड़ा है उसमें से इसको मैं इस तरह से निकाल दूंगी।
पांचवा बेसिकली गाइस हम बड़ा इसीलिए डालते हैं ताकि वो एक मार्कर हो कि हमें इसमें से निकालना है। अगर वो भी हम सेम साइज का डाल देंगे तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए पांचवा हम थोड़ा बड़ा डालते हैं। ये देखिए इस तरह से ये अभी तीन लड़ी बन गई है, चौथा कर दूंगी तो वो चार लड़ी का हमारा माला एक साइड का ऐसे तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पांचवे वाले में से मैं डाल दूंगी इसे। एक बार आपको ये ट्रिक आ जाएगी तो बहुत इजी लगेगा। इनिशियली ये थोड़ा देख के आपको टफ लग रहा होगा, बट जब आप उसे ट्राई करेंगे तो ये आपसे बस होता ही चला जाएगा, आपको बहुत इजी लगेगा और ये बहुत जल्दी फटाफट बन जाने वाली चीज़ है। चार में से तीन लड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये चौथी वाली है, और इस चौथी में वो भी प्रोसेस में सेम करूँगी, चार डालूँगी और पांचवी में से निकालूँगी, चार डालूँगी पांचवी में से निकालूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक का एक साइड एक पोर्शन का, और सेम प्रोसेस मैं अपने सेकेंड वाले साइड में करूँगी जिसमें भी चार थ्रेड हैं। लास्ट वाली लड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको भी सेम हम ऐसे पांचवे वाले जो बड़ा वाला है उसमें से निकाल लूंगी कुछ इस तरीके से। और इसको करते समय थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ेगा क्योंकि अभी एक बंच सा बन गया है तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं, तो ये बनाते समय आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इस तरह से हमने इसमें से निकाल लिया है, तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है चार लड़ियों का बना हुआ, एक साइड चार एक साइड चार, देखने में सुंदर सा लगेगा, गोल गोल सा ऐसे लगेगा, आपका डिजाइन सा अच्छा आता है बनके। ये देखिए इसको मैंने अगेन ये पांचवा वाला जो है उसमें से निकाल दिया है, तो ये हमारा एक साइड बन के अब एकदम रेडी है, ये हमारा साइड रेडी है। अब हम ये जो बाकी के चार लड़ियां हैं अब इनको भी इसी सेम प्रोसेस से पिरो लेंगे। ये देखिए ये अभी सिर्फ एक साइड रेडी है तो कितना प्यारा लग रहा है, अगर जब दूसरा रेडी हो जाएगा तो आप सोचिए कितना प्यारा लगेगा। तो हम दूसरे साइड को भी सेम प्रोसेस से ऐसे ही कर लेंगे, पहली लड़ी में चार और पांचवा बड़ा, चार पांचवा बड़ा ऐसे वाला प्रोसेस है, और बाकी तीन लड़ी में सिर्फ चार ही पड़ेंगे और पांचवे वाले में से निकाल दिया जाएगा और हमारा माला बनके एकदम रेडी हो जाएगा। Thank you.
यहाँ पे देखिए माला बनके हमारा एकदम रेडी है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के, एकदम गुच्छों में सजा हुआ लग रहा है कि मार्केट से खरीदा हुआ है या किसी प्रोफेशनल से बनवाया हुआ लग रहा है। तो आप भी इस तरह से बना के अपने घर में एज अ शो पीस रख सकते हैं, या कभी आप किसी मंदिर में भगवान को कुछ चढ़ाना चाहते हैं ऐसा माला, तो आप वो भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों को, तब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ पे मैंने अपने दो माले झट से रेडी कर लिए हैं।